श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब होशी सब विवेक। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तेरहवां प्रकरण हक माशुक के श्रवण अंग। माशुक बोलते हैं प्रियतम, उनके श्रवण अंग। आशिक और माशुक, ये सूफी परंपरा में इनका बड़ा विवेचन है। और वहाँ परमात्मा को माशुक कहा है। वैसे तो अरबी के हिसाब से ये शब्द है तो माशुका कहा होता है अरबी में। वो अंतिम में विसर्ग लगता है, उसको आकार बोलते हैं। वो तो माशुका, तो उसको लेकर के फिर दूसरे लोगों को लगा कि ये तो किसी महिला के लिए कहा है, तो इस तरह से तो वो उसका ये स्त्रीलिंग शब्द ऐसा भी मानने लग गए। अब वो तो उनकी भाषा में जिस प्रकार से भी होगा, लेकिन माशुक का अर्थ उनके अनुसार इस प्रकार का होता है। जैसे दो प्रेमी हैं तो वो जिसके पास जाएंगे वो माशूक होता है, और जो जाता है तो वो आशिक होता है। अब आत्मा और परमात्मा का प्रेम है, आत्मा परमात्मा के प्रति दौड़ती है ना, उनके पास पहुंचती है, तो परमात्मा माशूक है। तो अब यहाँ फिर उसमें भी कहा आशिक कहा अल्लाह को, ऐसा करके कतई परंपरा में परमात्मा को आशिक भी कहा। तो ये दुनिया के खेल में तो इसके लिए आत्माओं को जागृत करने में परमात्मा आते हैं, इसलिए उनको आशिक कहा और आत्माओं को माशुक कहा। इस तरह के बातें समझने की है। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के श्रवण अंग। श्रवण की किन विद कहूँ लेता शिकेत आराम। श्रवण की क्या बात करें श्रवण अंग की। तो आशिक आत्माएं, अनुरागिनी आत्माएं इससे तृप्त हो जाती है। अपनी बात कही और श्रवण इंद्रिय ने, राज्य के श्रवण इंद्रिय ने सुना, तो बस उनको उससे में आनंद आता है। देख सुन सुख पावही, देख करके सुन करके सुख पाती है। आशिक रू इन ठाम, आशिक आत्मा इस यहाँ पर जैसे ही अपनी बात कही और अक्षराते धाम धनी ने सुन लिया, तो ये समझ करके उनको बड़ी शांति मिलती है, बड़ा सुख मिलता है। कानन के गुण अनेक हैं, श्रवण इंद्रिय के गुण अनेक हैं। सुख आशिक बिना ही सब, आशिक को उससे अलग अनेक सुख प्राप्त होते हैं जिसका कोई कोई गणना ही नहीं, असंख्य सुख। आठों जाम इत पी वही, आठों जाम आठों याम आठों प्रहर, ये अर्श अरवा ये शराब। अर्श की अरवा परम धाम की आत्माएं, तो ये वो प्रेम का पान करती रहती है, तो अक्षराते धामधनी से भी सुनती है और अपनी बात भी उनको सुनाती है। इस प्रकार से कहना चाह रहे हैं, देख कोमलता कानन की, श्रवण इंद्रिय के कर्ण की कोमलता को देख करके नयनों शीतलता होए, आँखों में बड़ी शीतलता प्राप्त होती है। आशिक इन स्वरूप के ए सुख जाने सोए,
आशिक इन स्वरूप के सुख जानते हैं, इन स्वरूप का सुख आशिक को ही पता होता है ये सुख। तो अब यहाँ श्रवण इंद्रिय और कान दोनों में थोड़ा फर्क होता है, होता है कि नहीं होता है? कान दिखते हैं तो सुनने के लिए एक सहयोगी है, श्रवण इंद्रिय सुनने का काम करने इंद्रिय है, वो श्रवण इंद्रिय है, और कान है कर्ण कहलाते हैं। ये जो शेप दिखता है वो कान का है, अब सुनने की जो शक्ति है वो श्रवण इंद्रिय है। यदि सुनने की शक्ति कम हो गई तो इंद्रिय श्रवण इंद्रिय है वो शिथिल हो गई है। मासुक का मुख शोभित देख लवने केश कान, प्रियतम परमात्मा का मुखारविंद बड़ी शोभा धारण करता है, और उनके केश कुंतल कान कर्ण ये सब देखते हैं, कनपटी देखते हैं, पहचान वाले सुख पावही, जिनको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान है वही उनके इन अंगों को देख करके सुख प्राप्त करती है। देख अर्श अजीम सुभान, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को देख करके जो पहचानते हैं उनको ही ये सुख मिलता है। कानों सुने आशिक की दिल दे गुजमाशुक, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आशिक अनुरागिनी आत्माओं की गूढ़ बातों को, उनको प्रेम भरी बातों को अपने कानों से सुनते हैं। कहे आधा सुख न इश्क का आशिक हो जाए भूख भूख, प्रेम का आधा वचन भी थोड़ा सा भी कह देते हैं ना पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उनकी बातें सुन करके, तो अनुरागिनी आत्मा तो मानो वो तो उसमें प्रेम में वो पागल हो जाती है, तो उसका कोई कोई भी अहमपना नहीं रहता है, तो भूखा होना मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाना, चूर्ण हो जाना इस अर्थ में है, तो उनका अहंकार बिल्कुल कुछ भी नहीं रहता है, वो पानी पानी हो जाती है, ये कहने का तात्पर्य। मुख जुआ माशुक की शोभी कानों के ताबिन, माशुक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के मुख परमात्मा का मुखारविंद उनके जुवा बोली वाणी वो भी कानों के अधीन है, जो सुनते हैं उसके अनुसार बोलते हैं ना, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। रुआ देखे गुण कानन के जासो हक जुवा होता अधीन, ब्रह्मात्मा इन अक्षराति धामधनी के कानों के गुण को देखती है, जिन गुणों से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के जुवा वाणी है वो अधीन होती है, मतलब जिन कानों के अधीन है वाणी तो उनके गुणों को तो ब्रह्मात्मा देख सकती है। हक आशिक नाम धरा या वाको भी अर्थ ये, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपना नाम आशिक रखा उसका यही अर्थ है, उसका तात्पर्य यही है। मासुक उल्टा आशिक हुआ, मासुक वो बदल करके वो आशिक हो गए, शोभी बल कानन के, वो सब कान के पुरुषार्थ के कारण ही है, कान के बदौलत कान के प्रताप से ऐसा समझना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, ब्रह्मात्माओं ने खेल देखने की मांग की तो उनके वचनों को अक्षरात इतने कानों से सुना, सुनने के बाद में उसको स्वीकार कर लिया, फिर दिखा दिया, तो ब्रह्मात्माएं अब खेल देखने पर खेल में भूल गई, अब उनको जगाने के लिए तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उनके लिए खेल में आए, तो वो आशिक बन गए। तो ये सब श्रवण इंद्रिय के कारण है, ऐसा ये बताना चाह रहे हैं। हक कहे मेरा नाम आशिक, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहते हैं कि इस जगत में तुम मैं भी आशिक हूँ अनुरागी हूँ। सो भी सुन के कुछ मोमिन ब्रह्मात्माओं के प्रेम भरी बातों को सुन करके, ये जाने अरवा अर्श के इस रहस्य को परमधाम की आत्माएं जान सकती हैं, कहूँ केते कानों गुण, इस प्रकार कानों के कितने गुण हैं उनके क्या बात बताएं। खावंद अर्श अजीम का गुज सुनत रात दिन, परमधाम के स्वामी वो प्रेम भरी बातें रात दिन सुनते हैं ब्रह्मात्माओं की,
ये जो अरवा अर्ष के कई सुख लेवे कानन इस प्रकार परमधाम की आत्माएं हैं, श्रवण के कई सुख लेती, अक्षराते धाम धनी सुनते हैं तो उनको तृप्ति हो जाती है, इस प्रकार से कह रहे हैं। हक आशिक हुआ यही वास्ते पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इसी श्रवण इंद्रिय के कारण आशिक बने हैं। सो रूहे क्यों न सुने हक बात, अब खेल में आकर के परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बातों को क्यों नहीं सुनेगी, उनकी बात सुन करके पूर्ण ब्रह्म जब आशिक बने हैं तो उनकी बातें सुननी पड़ेगी। एको न जाने अर्श रूहों बिना, तो इस रहस्य को परमधाम की आत्माओं के बिना कौन सुन जान सकता है। कान गुना अंग आख्यात, कान के गुण हैं, कान ये कर्ण के कर्ण अंग के, इनके गुण तो बहुत है, जिसके आख्यात का तात्पर्य जिसकी अपार ऐसा कहना पड़ेगा, बहुत बड़े गुण कानन के, कान के गुण बहुत ज़्यादा है। बिना आशिक न जाने कोई, आशिक के बिना दूसरा तो कोई समझ नहीं पाएंगे। कई गुज गुण श्रवण के, श्रवण के कई ऐसे गूढ़ गुण हैं छिपे हुए, और कोई जाने सो जो दूसरा होए, दूसरा कोई उनके सानिध्य में होता तो दूसरा समझ पाएगा ना, उनके सानिध्य में तो परमात्मा ही होती है तो वही समझ सकती है। और देखो गुण कानन के जब हक दे रूहों कान, और कानों के और गुण को भी देख लो, जब ब्रह्मात्माओं की तरफ अपने कान देते हैं का मतलब उनकी बात कान ध्यान दे करके सुनते हैं, वाह को ले अपने नज़र में, तो जिसकी बातें सुनते हैं तो उसको अपने दृष्टि में भी ले लेते हैं। देखे सनकुल दृष्टि शुभान, तो जब अपने दृष्टि में नज़रों में लेते हैं तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने प्रसन्न दृष्टि उनके ऊपर डालते हैं, दृष्टिपात करते हैं। सब सुख पावे रूह तीन से, इससे ब्रह्मात्माओं को सब प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। हुए नेत्र भी कानों तालु का, इस प्रकार कह रहे हैं नेत्र भी कान के ही अधीन हैं। शीतल दृष्टि देखत, शीतल दृष्टि से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा देखते हैं। ये जो माशुक मलुक, ये माशुक है तो मलुक या मालिक अर्थ में कहा है, ऊपर तालुक है इसलिए मलुक ऐसा कर दिया, तो वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वामी वो उनको शीतल दृष्टि से देखते हैं। ये सब बरकत कानों की, ये सारी क्षमता कानों की है। सो सुन सुन रूह के बान, वो आत्मा की बातें सुन करके दिल भी हक तहाँ देता है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने हृदय को भी उनके तरफ ही देते हैं, उनकी बात सुन करके हृदय में ग्रहण करते हैं। मेहर करत मेहरवान, और वो अपने हृदय से बहुत बड़ी कृपा करते हैं ब्रह्मात्माओं के ऊपर। ए गुण सब कानन के, सारे गुण कानों के हैं। कई गुज सुख रूह परवान, तो ये आत्मा को कई गुण सुख प्राप्त होते हैं, तो ये प्रमाणभूत बात है। परवान का तात्पर्य प्रमाण होता है, ये प्रमाणित प्रामाणिक बात है कि आत्मा को अनेक सुख मिलते हैं। रूहें कई सुख कानों लेते हैं, ब्रह्मात्माएं भी अपने कानों से श्रीराज्य की बातें सुन करके बहुत सुख प्राप्त करते हैं। रहमत इन रहमान, तो रहमान होते हैं कृपालु, उनकी रहमत कृपा, उनकी कृपा पूर्ण वचनों को ब्रह्मात्माएं भी सुनती है। हक इश्क जो करते हैं सो सब कानों की बरकत, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रेम करते हैं वो भी कान के ही प्रताप से हैं। अनेक सुख हैं इनमें सो जाने हक निश्वत, तो इनमें अनेक प्रकार के सुख हैं, उस उन संबंधों को पूर्ण ब्रह्म ही जानते हैं। आशिक जाए कहो ना सके, छोड़ सुख हक श्रवण, अनुरागिनी आत्माएं इन श्रवण इंद्रिय के सुख को छोड़कर के दूसरी जगह कहीं जा ही नहीं सकती, हिसाब नहीं सुख कानों के, इसलिए कानों के सुखों का तो कोई हिसाब नहीं है। कोई सके ना ए गुण गिना, इनके गुणों को कोई गिन ही नहीं सकता है। खोल देखो एक इश्क को, एक इश्क को यदि वो खोल करके, आंखें खोल करके एक इश्क को देखो
तो कई सुख अरस अपार, परम धाम में तो अपार सुख है कई, ये पता चल जाएगा। सो सुख लेसे कर बेवरा, तो उस सुख को तो विवरण करके लेती है परमात्माएं, जो होशी निश्वती उसी आर, जो निश्वती परम धाम के संबंधी आत्मा सचेत आत्मा है, होशियार है, वो इन सुखों को ग्रहण कर सकती है। अभी यहीं रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जो होशी निश्वती होशियार, खोल दे कहे है इश्क को, तो कई सुख अरस अपार, सो सुख लेसि कर बेवरा, जो होशि निश्वति होशियार, जो होशि निश्वति होशियार।